की खबर लखनऊ से। शाम 4 बजे होगी विधानसभा की सुरक्षा बैठक। जी हाँ, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी प्रशांत कुमार बैठक में शामिल होंगे। अहम जानकारी आपके बीच लखनऊ से साझा कर रहे हैं। बता दें कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। जी हाँ, ये अधिकारी भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ के DM सुप्रिया जी हाँ बता दें कि सूर्यपाल लखनऊ से। बड़ी खबर, शाम 4 बजे होगी विधानसभा की सुरक्षा बैठक। शाम 4 बजे बताई जा रही है DGP प्रशांत कुमार बैठक में शामिल होंगे। जी हाँ, बैठक में DGP भी शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में शामिल होंगे। अहम जानकारी, बता दें कि फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। इनको भी बैठक में बुलाया गया है। लखनऊ के DM सूर्यपाल गंगवार बैठक में शामिल होंगे। जी हाँ, DM भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे विधानसभा की सुरक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें DGP प्रशांत कुमार शामिल होंगे। वहीं इनके साथ अगर हम बात करें तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ये भी शामिल रहेंगे। और अगर हम आगे नजर डालें तो फायर सर्विस के अधिकारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। जी हाँ, इनको भी, इन अधिकारी को भी बैठक में बुलाया गया है। लखनऊ के DM सूर्यपाल गंगवार भी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज ही शाम को 4 बजे विधानसभा की सुरक्षा बैठक है, जिसमें DGP प्रशांत कुमार बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, आज ही ये बैठक जो है शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि बुलाया गया है, और इसमें DM भी शामिल होंगे, कई अधिकारी भी शामिल होंगे, तो क्या इसकी तैयारी हो चुकी है पूरी बैठक की? देखिए, बिल्कुल ये कह सकता है कि 2 फरवरी से सदन की शुरुआत है, और जाहिर सी बात है उससे पहले सदनीय बैठक होगी, और बैठक से पहले सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा, सुरक्षा व्यवस्था द्वारा किए जाते हैं, और उसी को लेकर आज शाम 4 बजे बैठक है, जिसमें आप जो कह सकते हैं कि नए DGP उत्तर प्रदेश कार्यवाहक DGP जो है प्रशांत कुमार, वो इसमें शामिल होंगे, और प्रमुख सचिव समेत तमाम अधिकारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो अधिकारियों की बैठक है। और साफ तौर पर कह सकता है कि पूरी सुरक्षा किस तरह से विधानसभा की है, क्योंकि सेंसिटिव मामला चलता है, और जाहिर सी बात है इसके लेकर सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है। और ये कहा सकता है कि बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सदन जितने दिन चलेगा उत्तर प्रदेश सरकार का, उस सदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अधिकारियों पर होती है, तो और जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन इसके द्वारा पूरी तैयारी कर रहा है। जी, अगर हम पिछले दिनों पर ध्यान दें तो सुरक्षा में जो चूक हुई थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और ऐसे में आज फिर जो है सुरक्षा को लेकर के बैठक है, तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो क्या कुछ सुरक्षा के खास इंतजाम होने के आसार नजर आ रहे हैं इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल खास इंतजाम तो होते ही, जाहिर सी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विधानसभा अध्यक्ष और तमाम विधायक और विरोधी दल के नेता भी होते हैं, और जाहिर सी बात है कि पूरी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी इसीलिए खास होती है क्योंकि जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना था, जब तक सदन चलता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी सुरक्षा के घेरे में लिया जाता है। जी धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। के आज शाम लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज शाम 4 बजे बैठक होने वाली है, और इस बैठक के बारे में बता दें कि फायर सर्विस के अधिकारी को इस बैठक में बुलाया गया है। जी हां, इन अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, और वहीं बता दें कि लखनऊ के DM सूर्यपाल गंगवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर है, जहां आज विधानसभा की सुरक्षा बैठक होगी।